अगर आप एनिमल्स लवर है ना, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों ये। यहाँ मैंने ना लायन देखा, टाइगर देखा, जैगुआर देखा, और सांप तो ऐसा देखा कि अजगर ऐसे से लहर रहा था यार। So, यहां से देख सकते हैं आप टाइगर। ओ नहीं, असली 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 है। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ दिल्ली के चिड़ियाघर में। तो आज हम पूरा जू विजिट करने वाले हैं। जू से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं फटाफट से और करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले कर लेते हैं लोकेशन की बात। तो दोस्तों ये पड़ता है प्रगति मैदान भैरोमाग रोड पर, और चिड़ियाघर के नाम से भी इधर आप पहुँच सकते हैं। और इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात कर ले तो इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट पड़ने वाला है, वहाँ से आप ऑटो लेके इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही बात कर ले अगर आप आ रहे हैं अपने व्हीकल से, तो यहाँ पर टू व्हीलर का 30 रुपीज़ है पूरे दिन का, और कार का आपको 50 रुपीज़ पूरे दिन का देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे और आपको टिकट प्राइस वगैरह आगे बताते हैं। चलिए सो यहाँ से सामने से पार्किंग है और इस तरफ से जू की एंट्री होगी आपकी। पहले यहाँ पर कितने सारे जो स्टॉल होते थे खाने पीने के, अब वो सारे हटा दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आ रहे हैं तो बाहर से ही खा पी के आए। ये सामने है टू व्हीलर का पार्किंग एरिया, वहाँ से टू व्हीलर की एंट्री होगी और कार की उस साइड से होगी और कार की ये वाली है। सो यहाँ से हम जू के लिए एंट्री करेंगे। सो सामने है जू, आपको बोर्ड दे रखा है, यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस है टिकट बुक करने का, तो आप चाहो तो आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। कोई सा भी कार्ड हो, एटीएम हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, लेकिन वो कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आपकी टिकट हो पाएगी। सामने ही एंट्री है। सामने दे रखा है एक क्लॉक रूम, अगर आपके पास कोई भारी बैग है तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका सामान है 5 रुपये प्रति बैग जमा होगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का टाइमिंग है, और यहाँ से आप एंट्री करेंगे। चलिए हम भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ सामने से आपकी एंट्री होगी, और आपको बता दें कि सिर्फ पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपकी आ जाएगी, लेकिन खाने का कोई भी आइटम आप अंदर लेकर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ से होगी हमारी एंट्री जू के लिए। सो गाइस अगर बात कर ले टिकट प्राइस की, तो यहाँ पर 80 रुपीज़ अडल्ट का है, 40 रुपीज़ किड्स का है, जो कि 5 साल से 12 साल तक के बीच में आपको 40 रुपीज़ देना पड़ेगा। टाइमिंग की बात कर ले तो जू जो है सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन जो उसकी लास्ट एंट्री होती है वो शाम को 4 बजे तक होती है। चलिए अंदर अंदर चल के आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो गाइज अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं आ रहा है, तो बाहर रोड के पास ना काफ़ी सारे आपको जो लोग दिखाई देंगे जो कि टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, वो आपसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे। 80 रुपीज़ का टिकट है, 100 रुपये पर पर्सन आपसे टिकट लेंगे, तो आप उनसे ही बुक करवा सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन बुक करवा के आइएगा। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ये प्यारा सा फाउंटेन देखने को मिलेगा, साथ में ही बहुत सारी आपको डक्स देखने को मिलेगी।
बच्चों के लिए ये बेहतरीन जगह है। अगर बैटरी रिक्शे की बात करें तो यहाँ पे अडल्ट का 70 रुपीज़ है, बच्चों का 5 से 12 साल तक के बच्चों का 40 रुपये है, 5 साल से छोटे बच्चों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं बैटरी रिक्शा का, और ये पूरा बैटरी जो है बैटरी वाले पूरा घुमाएंगे और वापस आपको ड्रॉप कर देंगे यहीं पर ही। तो इस तरीके के आपको बैंड मिलेंगे और आपको ये बैंड पहनने हैं, इस तरीके से आपको टिकट मिल जाएगी। इस तरीके से ये बैंड पहनाया जाएगा, पहले इसको उतारना मत जब तक आप पूरा जू घूम नहीं लेते। ये बिल है, ये बिल हमें पंच करवाना होता है पहले। इस तरीके से पंच कर दिया जिससे कि अब ये टिकट वैलिड नहीं है, अब ये यूज़ हो चुकी है। ये बैटरी रिक्शा तैयार है। हमारा बैटरी रिक्शा स्टार्ट हो चुका है। मैंने बैटरी रिक्शा लिया है क्योंकि मेरे साथ मेरी मॉम आई हुई थी, तो इसीलिए हम बैटरी से पूरा जू घूमने वाले हैं। नहीं नहीं, सिर्फ ये इससे पूरे सारे बैटरी रिक्शे में घूमते रहो, जो बैटरी रिक्शा मिले उसमें घूमते रहो। अच्छा, ठीक है, घूमो आराम से, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, शाम तक घूमो। चलो अंकल, मैं तो चल रही हूँ, चलो आगे। तो यहाँ पर ना आपको जो है पक्षी वगैरह मिलेंगे, शेर पूंछ बंदर वगैरह, तो ये इतना खास नहीं है, तो मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ। तो यहाँ देखने को मिलेंगे सांबर हिरन, और सामने ही सांबर हिरन दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो यहाँ सारे आपको सांबर हिरण देखने को मिलने वाले हैं। आपको इस तरीके से जगह जगह आपको पूरा जू का मैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गए व्हाइट टाइगर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप टाइगर, अरे बाप रे, दहाड़ रहा है वो इंसान, इसको खाना देने गया है वाइट टाइगर को, और उसके ऊपर झपट्टा मार रहा है। दिखाते हैं आपको। तो नेक्स्ट आ गए हम हिमालयन काला भालू। गाइस सामने है रीच। यार ये रीच कम सुअर ज्यादा लग रहा है मुझे। गाइस जो जू के अंदर स्टोर थे, छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह थे खाने पीने के, वो सारे जो है बंद कर दिए गए हैं। तो अंदर आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आप बाहर से ही उन्हें अच्छे से खिला पिला के लेकर आइए, ताकि बच्चे अंदर आप जिद ना करें और उनको भूख प्यास ना लगे। बाकी पानी आपको मिलता रहेगा, बाकी आप उनके लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप उनके लिए लेकर आ सकते हैं। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा सांप घर, यहाँ पे बहुत सारे सांप मिलेंगे, चलिए देखते हैं। सांप को देखने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये है डायमंड स्नेक, ये इसके अंदर है। ये रहा, ये
ये है इंडियन अजगर। अजगर बैठा रह गया क्या? ये गोहा है। वाओ कैसे रहा यार ये। यहाँ भी अजगर देखने को मिला जो कि लेटा हुआ है पूरा के पूरा। गांव वाला तो इसका मुंह तो बहुत पतला है। क्या सांप है ये? सांप है। यहाँ देखने को मिला अजगर के बच्चे। ये है ताड़ बिलाव और ताड़ बिलाव देखो कैसे औंधा पड़ा हुआ है, उल्टा लेटा पड़ा है बिल्कुल ही, देख सकते हैं। ये वानर यानी कि बंदर, लेकिन यार बंदरों को पिंजरों में कौन रखता है। सामने है ल्यूपेड और एक तेंदुआ, दो तेंदुए हैं, दोनों सो रहे हैं। तो इस तरफ हमें देखने को मिलेगा भेड़िया। देखने के लिए और इस तरफ हमें जैगुआर देखने को मिलेगा। सो इधर है जैगुआर और यहाँ पे दो जैगुआर है दोस्तों। तो इस जाल के अंदर है जैगुआर और जैगुआर जो है अभी सो रहा है। इसमें दो जैगुआर है, एक बैठा है एक सो रहा है। जो ये वाला है ये सो रहा है अभी। बब्बर शेर मगरमच्छ अफ्रीकी हाथी। चलो फिर बब्बर शेर देख कर आते हैं अंकल। ये है साही और इसमें काफी सारे कांटे लगे होते हैं नौकाधार, और सामने ये साही लेटा हुआ है। सो सामने हमें एक और क्रोकोडाइल देखने को मिला, लेकिन ये नकली लग रहा है मुझे। ओ नहीं, असली 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 है। ओ भाई मैं सोच रही थी नकली है, लेकिन ये असली निकला। सो गाइस यहाँ आपको दो क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे, एक सामने रहा और एक अभी अभी मैंने आपको दिखाया पानी में जाता हुआ, और ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि लग रहा है नकली है ये, पर ये है असली। सो ये भारतीय हाथी है दोनों। सो गाइज जू में घूमने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हैं और इवनिंग तक भी जा रहे हैं ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अंदर घूम सकते हैं। एग्जिट होने के बाद आप दोबारा नहीं आ सकते। बाकी आप इंजॉय कीजिए जू में, पूरा दिन से सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से बैठ बैठ के घूमिए और जू को इंजॉय कीजिए, फील कीजिए। तो इस तरफ हमें देखने को मिलेगा क्रोकोडाइल, हॉर्नबिल, लॉयन। तो चलिए लॉयन वगैरह देखते हैं, मगरमच्छ देखते हैं। यार एशियाई लॉयन देखने के लिए बैठे बैठे।
कितने सारे लोग खड़े हुए हैं और लॉयन मस्ती में बैठा हुआ है आराम से यार। नेक्स्ट आ गए हैं हम मार्स कोकोडाइल देखने के लिए। सामने है कोकोडाइल जो कि पानी के अंदर है, अंडर वाटर है। जगह जगह जू में ड्रिंकिंग पॉइंट बना रखे हैं, तो आप इस जू के अंदर भी ना काफी जो स्टोर लगे हुए थे, स्टॉल्स वगैरह छोटे छोटे, वो सब भी बंद करवा दिए गए हैं। कितना खूबसूरत नजारा है दोस्तों ये। तो गाइस सामने है टाइगर और इसमें एक ही टाइगर है। तो यहाँ आपको सारे पक्षी देखने को मिलेंगे, बर्ड्स, काफ़ी कलरफुल बर्ड्स भी मिलेंगे। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। ये है नीला पीला मकाओ। इन पूरे एरिया में आपको मकाओ देखने को मिलेंगे जो कि कलरफुल मकाओ है। कहीं लाल हरा है, कहीं नीला पीला है, कहीं हरा नीला है। सामने आप देख सकते हैं। ये है बेयर आइट कोकुट और बिल्कुल छोटा सा पक्षी है, वाइट रंग का, देख सकते हैं। ये है अफ्रीका धूसर तोता, ये बैठा हुआ। ये है सिल्वर पेजेट और ये मुर्गे है। मम्मी देखो, बहुत प्यारी मुर्गी। मजा आ रहा तुम्हें एनिमल्स देखने में? मजा आया? हाँ। कितना खुश हो रहा है। मम्मी देखो, एक ऐसा हाँ, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा ये बन रहा है। यहाँ आपको तीतर की प्रजाति देखने को मिलेगी जिसमें काला, भूरा, सफेद, लाल सब तीतर देखने को मिलेंगे। सामने आपको दिखाई देगा वाइट मोर, वाइट पीकॉक जिसे कह सकते हैं। हम आ गए अब गैंडे की तरफ और गैंडा देखने के लिए आए हैं इधर हम, तो गैंडा दिखाते हैं। तो ये सामने भारतीय गैंडा आप देख सकते हैं। यहाँ सारे आपको बर्ड्स ही बर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको चील देखने को मिलेगी जो कि पेड़ पर बैठी हुई है।
तो इधर है बंगाल की लोमड़ी। तो यहाँ बंगाल का काला जादू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है भाई? ऊपर बैठा होगा कहीं छुप के। इस पूरे एरिया में आपको छोटे छोटे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। लोमड़ी हो गया, जंगली बिल्लियाँ हो गई। सामने आप देख रहे होंगे ये है लोमड़ी। यार ये तो मुझे ही देख रही है। सामने आपको गीदड़ दिखाई दे रहा है। यार लेकिन ये गीदड़ तो बड़ा फुर्तीला है, भाग रहा है। इस तरफ आपको जंगली बिल्लियाँ दिखाई देंगी। सामने आप देख पा रहे होंगे एक बिल्ली है। ये सामने आपको दो ताड़ बिलाव सोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये पेड़ पे भी रह सकते हैं और इनके जो पैर हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं। जगह जगह आपको इस तरीके के काफ़ी सारे सिटिंग एरिया देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं अगर आप थक जाते हैं तो। नेक्स्ट आ गए हम लोग गौर की तरफ और यहाँ सामने हमें गौर देखने को मिलेगी, पर गौर जो है अपने आशियाने में छिपी हुई है। तो यहाँ आपको बहुत सारे डियर्स देखने को मिलेंगे और यार इतने प्यारे प्यारे डियर्स हैं ना, कलरफुल में, ब्लैक एंड वाइट में भी डियर्स हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत डियर है सामने। आपको जगह जगह इस तरीके के एरो दिखा रखे होंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये सब एनिमल्स देखने को मिलने वाले हैं इस तरफ। ये है जंगली सुअर, ये तो आम तौर पर आप सबने देखे ही होंगे। चलिए बढ़ते आगे। ये है अफ्रीकन एलिफेंट जो कि अंदर है, गर्मी है इस वजह से। तो गाइज ये था मेरा दिल्ली चिड़ियाघर जू का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आशा करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोबारा से किसी नए सफर में। देखते रहिए DLRV व्लॉग। सो बाय दोस्तों।